इस तरीके से करिए लीवर साफ, जिएंगे 100 साल से भी ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। शरीर का हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि शरीर के एक अंग से भी समस्या हो जाए तो कई और अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार अगर हमारी किडनी में कोई डिजीज होता है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो भी हमारे लीवर पे भी लक्षण दिखने लगते हैं, लीवर पे भी प्रभाव दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो तरीका आज हम आपको बताएंगे, इससे लीवर और किडनी दोनों साफ कर सकते हैं। दोस्तों, लीवर शरीर में से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में सहायता करता है। यह कई मिनरल्स और आयरन को स्टोर करके आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है लीवर। शरीर को सही से काम करने में मदद करता है। खाना पचाने में लीवर की अहम भूमिका होती है। जिन लोगों का लीवर ठीक से काम नहीं करता है, उन्हें पाचन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, लीवर ब्लड को क्लीन बनाने और पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको लीवर से जुड़ी परेशानी है तो खान पान का बहुत ध्यान रखें और इस तरीके को आजमाएं, ताकि आपका लीवर और किडनी सभी स्वस्थ रहें। ये तरीका कोई बताता नहीं है, लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, हल्दी को सबसे शक्तिशाली मसालों में से एक माना जाता है, जो लीवर को नुकसान से बचाने और स्वस्थ लीवर कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। यह पित्त के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है और पित्त मूत्राशय के समग्र कामकाज में सुधार करता है। एक और ब्लड को शुद्ध करने वाला अंग भी होता है यह है। नंबर दो, दोस्तों, पपीते के पत्ते का रस इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है, जो कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति लीवर की क्षति, फैटी लीवर जैसी डायबिटीज के कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने में मदद करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करता है। इस तरह डायबिटीज के मरीजों में पपीता लीवर को मजबूत करता है। नंबर तीन, दोस्तों, अधिकांश फलों में विटामिन सी होता है, जो डिटॉक्स के लिए अच्छा माना जाता है। अंगूर, संतरे और नींबू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम करने, लीवर की रक्षा करने। ब्लूबेरी और क्रैनबेरी जैसे जामुन में एंथोसायनिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है लीवर पर। नंबर चार, दोस्तों, अंजीर खाना लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें कुछ खास डाइटरी फाइबर होते हैं, जो कि लीवर डैमेज होते से रोकते हैं। साथ ही इसका बीटा कैरोटीन और विटामिन फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसानों से बचाता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हाई एंटीऑक्सीडेंट तत्व फैटी लीवर की समस्या से बचा जा सकता है। नंबर पाँच, दोस्तों, लहसुन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने का काम करता है। लहसुन में सेलेनियम भी होता है, जो लीवर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है।